नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों आप सभी। मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो है इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर एसएसआर के स्टेज टू के डिटेल प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कौन कौन से जो है स्टेप्स को पार करके आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर और एसएसआर के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे नए बदलाव जो है अब की बार आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसे कि पता है कि भाई कंबाइंड बैच हो चुका है ना, दो बैच की रिक्रूटमेंट एक साथ यहाँ पर जो है इंडियन नेवी के द्वारा ली गई है। सो तो जो है सारी बातों पर जो है हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है और आप सभी भाई शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर दोस्तों सारे डाउट ही आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पहले जो इंडियन नेवी एमआर के अंदर जो एक सिंगल एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होता था, एसएसआर के अंदर एक सिंगल एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होता था। अब जो है पिछले दो तीन बैच से दोस्तों उसमें जो है दो एग्जाम होते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्स यहाँ पर इंडियन नेवी के द्वारा लिए जाते हैं। सबसे पहले आपका जो है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जिसको सीबीटी कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आपको जो है स्टेज टू के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम के अंदर हम जो है डिटेल में फोकस करेंगे स्टेज टू के बारे में। सो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ भाई, जो स्टेज टू का आपका एग्ज़ाम है, जो स्टेज टू का आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर केवल और केवल आपका एग्ज़ाम होने वाला है भाई, स्टेज टू के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको सबसे पहले जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों, आप सभी के स्टेज टू के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उन सभी पे आपकी एग्ज़ाम डेट, आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग में रहता है, लगभग 6-7 बजे के अप्रोक्सीमेट आपको रिपोर्ट करना होता है सेंटर पर। वहाँ पर जैसे ही आप अंदर जाते हो दोस्तों, तो आप सभी का यहाँ पर जो पहला स्टेप रहता है वो रहता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपका जो है एक फिजिकल टेस्ट होता है दोस्तों। और फिजिकल टेस्ट में क्या है भाई, अगर हम बात करें दोस्तों फिजिकल टेस्ट के अंदर, तो फिजिकल टेस्ट में भाई आपका जो है सबसे पहले जो है आपकी रनिंग होती है दोस्तों, जिसमें 1.6 किलोमीटर रन होती है भाई। अगर मैं बात करूं मेल्स की तो 1.6 किलोमीटर रन यानी 1600 मीटर आपकी रन होगी दोस्तों, जो कि आपको केवल और केवल जो है क्वालिफाई करनी होगी 6:30 से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद आपके जो है स्क्वाड्स अप होंगे जो कि 20 रहेंगे काउंटिंग में, 20 उठक बैठक आपके लगवाए जाएंगे। उसके बाद पुशअप्स होंगे दोस्तों, जिसमें 12 जो है पुशअप्स रहने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि भाई पुशअप्स कैसे लगवाते हैं, तो सबसे पहले पोजीशन लेने के बाद जैसे ही ऑफिसर या जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो अप बोलेगा तो आपको अप होना है, डाउन बोलेगा तो डाउन होना है, बिना कहे आपको जो है अप डाउन नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट को वही 1600 मीटर रन 8 मिनट के अंदर अंदर जो है लगानी होगी दोस्तों। इनके यहाँ पर जो है उठक बैठक जो है स्क्वाड्सअप जो हैं वो 15 रहने वाले हैं, और बेंट नी सिटअप्स जो रहेंगे दोस्तों वो केवल फीमेल्स के रहेंगे जो कि 10 लगाने हैं भाई। सभी के लिए फिजिकल कंपलसरी है और फिजिकल केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। अब यहां पर हम मान चुके हैं दोस्तों कि आपने जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है पास कर लिया है, और भाई जो कैंडिडेट फेल हो जाएंगे उन्हीं को उसी टाइम जो है सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा, वो अपने घर जा सकते हैं। बाकी जो पास हुए हैं उनको जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है दोस्तों रिटर्न टेस्ट के लिए, ठीक है। रिटर्न टेस्ट बोले या आपका ये जो ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा, क्योंकि ये बेसिकली जो है ओएमआर सीट पर आपका लिया जाएगा, तो ओएमआर टेस्ट रहेगा, पैटर्न वही रहेगा दोस्तों जो आपका एमआर का एसएसआर का ऑनलाइन एग्जाम में था, सेम वही पैटर्न आपका रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहती है दोस्तों, अच्छी बात है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आपने ओएमआर टेस्ट दिया, उसी के कुछ घंटे बाद यानी लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही आपका जो है रिजल्ट ऑन दी स्पॉट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भाई जो है केवल उन्हीं कैंडिडेट का नाम लिया जाता है जो जो पास कर चुके हैं, मार्क्स यहाँ पे नहीं बताए जाते हैं, केवल जो कैंडिडेट पास कर चुके हैं जिनको मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है उनको रख लिया जाता है, बाकी सभी को जो है सेंटर से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका आ चुका है, आपको मार्क्स नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं, जो फेल हो चुके हैं वो तो डायरेक्टली बाहर हो गए, लेकिन जो पास हो चुके हैं उनको जो है यहाँ पे मेडिकल लिया जाएगा भाई। उसी दिन आपको जो है मेडिकल आपका यहाँ पे लिया जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम सेंटर्स पर भाई एक ही दिन जो है सारा प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है। मेडिकल जैसे ही आपको पास कर लिया है, मेडिकली आप जो है फिट हो चुके हैं, तो आपको भी अब जो है घर भेज दिया जाता है जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं, और जो कैंडिडेट मेडिकली अनफिट हैं उनको जो है रीमेडिकल
दिया जाता है या जो पास हो चुके हैं, जो फिट डिक्लेयर हो चुके हैं, सभी को आप घर भेज दिया जाता है। जिनका रीमेडिकल है तो अपना रीमेडिकल कराएंगे क्योंकि किस दिन का टाइम होता है, और जो कैंडिडेट मेडिकली फिट हैं भाई वो अब वेट करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट का। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों, उसमें आपकी जो है अगर नाम आता है तो आपको INS चिल्का पर रिपोर्ट करना है, वहाँ पर आपका फाइनल मेडिकल होगा और वहीं पर आपकी जो है बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है दोस्तों, ये स्टेज टू के अंदर रहने वाला है, बड़ा ही सिंपल सा है। पहले जब ऑफलाइन एग्जाम, ऑफलाइन जो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एग्जाम होता था इंडियन नेवी का, तब केवल स्टेज टू फॉलो होता था, लेकिन अब जो है एक और रिटर्न टेस्ट ले लिया है। मतलब यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है वो उन सभी कैंडिडेट के साथ है जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम पास किया है। अब सेम ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ OMR बेस में आपको जो है देना होगा दोस्तों, इसके बिहाफ पर आपकी जो है मेरिट लगेगी दोस्तों, ठीक है भाई। रिटर्न एग्जाम या OMR एग्जाम में जितना ज़्यादा आपने स्कोर किया है उसके बिहाफ पर आपकी जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगने वाली है, और उसके बिहाफ पर ही आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट केवल पास करना है दोस्तों, कोई इसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। तो ये कुछ बदलाव थे दोस्तों जो कि मैंने आपको बताए भाई। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो भाई। बहुत सारे कैंडिडेट जो है पूछ रहे हैं कि एग्जाम को हम पास कैसे करें, तो भाई एग्जाम का जो लेवल है ना वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे। मैं आपको फ्री PDFs दे रहा हूँ भाई टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। इंडियन रोजगार ऑफिशियल के नाम से भाई टेलीग्राम हैंडल है, ठीक है। इंडियन रोजगार ऑफिशियल आप लिखोगे टेलीग्राम पर तो आपको चैनल मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे भाई डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री PDF आपको मिलेंगे। सेल्फ स्टडी बेस्ट है दोस्तों, उससे अलग जो है कुछ भी नहीं है भाई। सेल्फ स्टडी के अलावा जो है आप बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन भाई सेल्फ स्टडी ही आपको जो है यहाँ पे सक्सेस दिलाने वाली है। आई होप दोस्तों आप सभी के सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, या फिर दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो भाई। सिंपल आप जो है इंस्टाग्राम पर जो है सर्च करना ravinder.ir, ठीक है। आपको जो है वहाँ पर आप जो है मुझे जो है डायरेक्ट मैसेज भी जो है सेंड कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बेझिझक पूछिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।